Hi everyone, welcome back to the channel. This is Shreyanshi and I hope you guys are doing really good. आज हम करने जा रहे हैं एक मिंत्रा मैक्सी ड्रेसेस का हॉल. यहाँ पे रखे हैं इसलिए मैं इसे देख रही हूँ. काफी दिनों के बाद शूट कर रही हूँ आज मैं. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में तो मैं कर नहीं पा रही थी. कुछ टाइम पहले मैंने एक अमेज़न का ड्रेसेस का हॉल बनाया था जिसमें मैंने मैक्सी ड्रेसेस भी मंगाई थी. एंड आई वॉज ट्राइंग मैक्सी ड्रेसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई क्वाइट लाइक्ड देम. मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड हॉल बनाते हैं. लेकिन ये हॉल पहले मिंत्रा से नहीं होने वाला था, ये हॉल पहले अर्बैनिक से होने वाला था. बट आई थिंक अराउंड एक मंथ पहले की बात है, अर्बैनिक ने अपनी काफी सारी चीजें शिफ्ट करी. आई मीन लोगो वगैरह एंड बहुत सारी जो ड्रेसेस थी जो मैंने मंगाई थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई. एंड देन आई थॉट के व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहां पे मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं एंड वो आप तक कभी पहुंचे ही ना. एक्चुअली वो ड्रेसेस आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई थी, वो लाइक इट वॉज लाइक प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल. तो काफी बुरा लगा मुझे. एंड आई थिंक उसमें से सिर्फ दो ड्रेसेस थी जो लाइक बची थी वर स्टिल ऑन द ऐप. बाकी सारी की सारी अराउंड 6 ड्रेसेस थी जो कि लाइक वर नॉट एनी मोर ऑन द ऐप. तो आई थॉट के ओके लेट्स डू इट फ्रॉम मिंत्रा बिकॉज मिंत्रा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हाल फिलहाल में. तो सारी ड्रेसेस जो है वो 999 के अंडर हैं. थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है. बाकी सेल हमेशा आती रहती है मिंत्रा पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो, विश लिस्ट कर सकते हो उनको एंड यू कैन परचेज अकॉर्डिंगली. आई मीन आई थिंक द चीपेस्ट ड्रेस फ्रॉम दिस हॉल इज अराउंड 350 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बाकी या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. बहुत सारी बातें कर ली है मैंने एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट देन प्लीज मेक श्योर टू डू इट. काफी सारी वीडियोज और आने वाली हैं. आई मीन यस आने वाली है गाइज, ट्रस्ट में आने वाली है. और अगर आप किसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ. वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये सारी ड्रेसेस मैंने यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ऐसे ना देखना पड़े. ऐसे ही रैंडमली पिक कर रही हूँ मैं एंड द फर्स्ट ड्रेस दैट आई हैव इज दिस वन. कैन यू लुक एट इट? इसका प्रिंट बहुत ज्यादा प्रिटी है. इफ यू नो मी यू नो दैट आई एम रियली इन टू प्रिंट्स. अगर प्रिंट अच्छा हो तो आई मीन नॉट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रिंट्स बट दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड कैच एंड ये है उनकी ज्योमेट्रिक प्रिंटेड हॉल्टर नेक स्मोक्ड मैक्सी ड्रेस. इसमें एक लैवेंडर कलर भी है, एक ब्लू भी है. आई हैव गॉट द ब्लू वन. बाकी लैवेंडर वाला भी सिमिलर है. नाउ दिस इज अ हॉल्टर नेक ड्रेस. आई मीन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हॉल्टर नेक बहुत चलता था. मेरे पास टॉप्स भी थे हॉल्टर नेक बट काफी टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा ट्राई करा है एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. बहुत ही ज्यादा बीची वाइब्स दे रही है मुझे ये ड्रेस. काफी कंफर्टेबल भी है पहनने में एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये इसका फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा है. आई मीन आई वुड लव टू वेयर इट ऑन अ बीच और ऑन अ सनसेट और कैफे वेयर आई गो आउट फॉर डिनर. मोस्टली आई विल वेयर इट टू अ बीच. बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आज तक बीच पे नहीं गई हूँ. आई हैव नेवर एवर बीन टू अ बीच. सो या शायद ये ड्रेस मुझे मोटिवेट करे बीच पे जाने के लिए. आई मीन यस. इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ. तो दिस वन इज फॉर 511 रुपीज. आई मीन 500 रुपए की ड्रेस है ये. काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड आई लाइक इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस जो कि हमारे बैकग्राउंड से काफी मैचिंग है. इट इज बाय द ब्रांड ससाफराज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. यस आई थिंक आई हैव गॉट बाय नाउ. इट्स ससाफराज. ओके सो दिस इज द ड्रेस. नाउ ये जो ड्रेस है ये आई थिंक अराउंड 1 or 2 years मे बी से मेरे विश लिस्ट में पड़ी थी और मैं हमेशा सोचती थी कि इसको मंगाऊं या ना मंगाऊं या फिर लाइक कुछ ये रह जाती थी हमेशा. बट अभी मैंने इसको फाइनली मंगा लिया. दिस ड्रेस इज सो प्रिटी आई कांट टेल यू. दिस इज लाइक अ ड्रीम. इसके साथ में एक बेल्ट भी आई है एंड आई मीन मुझे तो ऑनेस्टली दोनों तरीके से अच्छी लगी. बेल्ट के साथ भी अच्छी लगी एंड बिना बेल्ट के भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी. आप इसको आराम से फॉर अ डे आउटिंग पहन सकते हो या फिर आई थिंक आप इसको अगर अपने बर्थडे पे कहीं दिन में जा रहे हो फ्रेंड्स वगैरह के साथ में तो भी पहन सकते हो. काफी ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है ये एंड इलास्टिक भी काफी अच्छी क्वालिटी का है. थोड़ा सा पहनने में मुझे डिफिकल्टी हुई थी बिकॉज इसकी स्लीव्स काफी छोटी है बट अच्छे से आ गई थी. आई मीन मेरे डोले वाले आर्म्स पे अच्छे से फिट आ गई थी ये एंड बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे. फैब्रिक भी अच्छा है. साइड में जो स्लिट आती है वो परफेक्टली फॉल करती है. जब लाइक जब मुझे अच्छे से आ रही है तो आई थिंक आपको भी आ जाएगी क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है आई हैव लॉन्गर लेग्स एंड दैट इज द रीजन आई रियली लाइक मैक्सी ड्रेसेस क्योंकि ये मेरे बॉडी पे बहुत अच्छे से फॉल करती है. लाइक आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड टू फिगर आउट अ परफेक्ट लेंथ
जो लाइक मुझे सूट करे. एंड आई थिंक मैक्सी ड्रेसेस जो है वो ये काम पूरा करती हैं बहुत अच्छे से. सो या दिस कुड बी अ रीजन दैट आई रियली लाइक्ड मैक्सी ड्रेसेस. एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, इट इज फॉर 778 rupees एज ऑफ नाउ व्हाइल आई एम मेकिंग द वीडियो. बट यू नो मिंत्रा पे थोड़े बहुत प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं. एंड आई थिंक आई बॉट इट फॉर 700 rupees ओनली. तो या मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा. एंड या दिस इज द ड्रेस. ऑल्सो बिफोर यू गाइज आस्क आई वांट टू टेल यू मैंने सभी ड्रेसेस में स्मॉल साइज मंगाया है. यस. नेक्स्ट अप वी हैव वन ऑफ द बेस्टेस्ट ड्रेसेस दैट आई हैव गॉट इन दिस हॉल. दिस इज अ मैक्सी ड्रेस बट दिस इज हाउ इट लुक्स. आई मीन वेरी कूल शीक एंड स्पोर्टी लुक. आई मीन यू नो आई लाइक दैट वाइब वेरी मच. नाउ दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड एथेना. इट्स देयर ब्लैक सॉलिड पीकाबू बॉटम ड्रेस. इसमें स्लिट भी है एंड काफी ज्यादा प्रिटी ड्रेस है ये. मुझे बहुत अच्छी लगी. आई मीन आई वुड रियली लाइक टू वेयर इट विद अ पेयर ऑफ स्नीकर्स एंड अ हाई पोनी टेल. आई मीन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन जिसपे मैं ये ड्रेस पहन सकूं, स्टाइल कर सकूं. इतनी ज्यादा पसंद आई मुझे. व्हेन आई बॉट दिस आई वाज लाइक रियली नॉट श्योर. मैंने कहा यार मैक्सी ड्रेसेस तो काफी फेमिनिन होती हैं, बट व्हेन आई सॉ दिस आई एम लाइक नो नॉट ऑलवेज. एंड आई रियली लाइक इट. अगर आपको भी इस तरीके की ड्रेसेस पसंद है तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. एंड आई थिंक ये एथेना इज द नेम ऑफ द ब्रांड इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. या दिस इज इट एथेना. या एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज फॉर 500 rupees एज आई एम मेकिंग द वीडियो. बाकी मैंने इसको खरीदा था 378 rupees में एंड अभी आउट ऑफ स्टॉक है ये. आई थिंक सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम में साइज बचा हुआ है. बट या यू कैन विश लिस्ट इट. और इसको ना बहुत सारे डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो. आई मीन अभी विंटर्स भी आ रही है ना, इसके साथ आप बूट्स पहन के एंड ऊपर लेदर जैकेट पहन के you can rock this dress. Now next up we have this dress by the brand called Coty. Now मुझे personally इस dress से बहुत ज्यादा उम्मीद थी. Now इसका print भी बहुत ज्यादा pretty है. The only thing I faced is कि मुझे इसका ना fit समझ नहीं आया. पहली बात तो ये बहुत ज्यादा deep थी मेरे लिए. I mean the neckline was way too deep. I mean if you do then you can definitely go for this one. बाकी जो इसका slit था वो भी बहुत ज्यादा high था. I mean मुझे ऐसा लग रहा था like ऊपर से भी ऐसी है नीचे से भी ऐसी है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पहन सकूंगी. बट बाकी देखा जाए ड्रेस की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो पहन के बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी. प्रिंट इज वेरी नाइस. पिंक एंड ऑरेंज इज सच अ ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस इन क्लोथिंग व्हाट आई फील. एक्चुअली मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ. जो मॉडल ने पहनी है ना उसको ये पूरी आई थिंक अराउंड एंकल लेंथ आ रही है. बट मैंने जब पहना तो मुझे काफी ज्यादा छोटी आई. बट उस हिसाब से फिर मुझे उसका स्लिट बहुत ज्यादा लंबा लगा एंड नेक लाइन बहुत डीप लगी. तो मतलब ओवरऑल मुझे लाइक नहीं इतनी अच्छी लगी पहन के. बट या अगर आप पहनते हो इस टाइप की ड्रेस तो यू कैन गो फॉर दिस वन. काफी ज्यादा लाइक प्रिंट वाइज आई रियली लव्ड इट. लाइक द वे इट लुक्स आई रियली लव्ड इट. द प्राइस फॉर द ड्रेस इज 579 rupees. बट लाइक मैंने खरीदी है ये 451 rupees में, क्योंकि लाइक ऑफर लग के सब क्लब होकर के लाइक जो एग्जैक्ट मुझे इसकी वैल्यू पड़ी 451 rupees की पड़ी. एंड या यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर दोज यू नो कूपन का ऑप्शन आता है उसमें, इतने का परचेज करो तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट. नेक्स्ट अप एक थोड़ी सी और डिसअपॉइंटिंग ड्रेस है इस हॉल में. आई मीन एक डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही जाता है गाइज, इट्स ओके इट्स नॉर्मल. आई ऑर्डर्ड दिस प्लेन पीच कलर का ड्रेस एंड कलर इज वेरी प्रिटी ऑफ दिस ड्रेस. इट्स लाइक अ सनसेट ऑरेंज. आई मीन अगर ऐसा कोई कलर एग्जिस्ट करता है तो इट्स दैट कलर. एंड काफी ज्यादा प्रिटी कहूंगी मैं इस ड्रेस को. बट पहली बात तो ये स्मॉल साइज मुझे नहीं आया. मुझे ये अराउंड द बस्ट काफी ज्यादा टाइट था. ये चेन भी नहीं इसकी बंद हो रही थी ठीक से. एंड आई थिंक इसकी चेन वॉज वर्किंग प्रॉपरली लाइक वेन आई वॉज नॉट वेयरिंग इट. बट वेन आई वॉज वेयरिंग इट एंड आई वॉज ट्राइंग टू लाइक डू इट, इट वॉज लाइक नॉट हैपनिंग एट ऑल. और मुझे तो फॉल इसका इतना अच्छा लाइक नहीं लगा ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक इसमें ना पीछे बो बना हुआ था या तो आई डोंट नो मे बी ये शायद आयरन्ड नहीं थी या जो भी था. बट पहन के इतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आया जितना मुझे इसको देख के लगा था कि ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगी. बाकी ड्रेस बहुत अच्छी है. ये भी वन ऑफ द ड्रेसेस है जो आप बीचेस पे पहन सकते हो. इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 559 rupees. आई मीन लाइक सिर्फ फिट का इश्यू है, बाकी देखने में तो ये मुझे कोई बेकार नहीं लग रही है, अच्छी ही लग रही है. और अगर आप ये ड्रेस मंगाना चाहते हो तो लाइक यू नो गो फॉर वन साइज बिगर. लाइक मुझे स्मॉल बाकी सब में बिल्कुल ठीक आया है बट इसी में नहीं आया है. तो या आई सजेस्ट यू कि एक साइज बड़ा आप देख सकते हो, बाकी नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज गेट द साइज एक्सचेंज. कलर ऑफ द ड्रेस इज वेरी प्रिटी एंड या पहन के अच्छी लग रही थी नो डाउट. मूविंग ऑन टू अनदर फेवरेट ड्रेस ऑफ माइंड फ्रॉम दिस हॉल एंड दिस इज दिस सनशाइन सनफ्लावर ड्रेस. मैंने
आई थिंक कभी भी कोई येल्लो ड्रेस ओन नहीं करी है. आई थिंक येल्लो क्लोथ्स भी नहीं है मेरे पास. इट वॉज लुकिंग सो गुड, यू कैन हैव अ लुक एट इट. दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड बेरी लश. इट्स देयर येल्लो एंड व्हाइट फ्लोरल क्रेप ट्यूलिप हेम मैक्सी ड्रेस विद बेल्ट. सो यार दिस वन कम्स अलॉन्ग विद अ बेल्ट. कैन यू सी हाउ प्रिटी इज दिस लुकिंग? आई लाइक गॉट सम पिक्चर्स क्लिक विद दिस एज वेल. वो मैं शेयर कर दूंगी. वो पिक्चर्स लाइक इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग, बट द ड्रेस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ड्रेस. इट्स सो प्रिटी. मैंने कभी भी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनी एंड आई एम जस्ट वंडरिंग मैं क्यों नहीं पहनती थी मैक्सी ड्रेसेस. मैं हमेशा सोचती थी कि लाइक ठीक है, शॉर्ट लेंथ ड्रेसेस आर गुड फॉर मी, एंड देन आई यूज टू बाय देम एंड वो रखी रह जाती थी क्योंकि वो मैं नहीं पहन पाती थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग देम. बट आई डोंट नो वाई आई नेवर ट्राइड मैक्सी ड्रेसेस. बहुत ज्यादा प्रिटी लगी है मुझे ये ड्रेस. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस दैट आई हैव गॉट. एंड इसका प्राइस भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ क्योंकि आई थिंक एक वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसका प्राइस आपको क्विकली बता देती हूँ. नाउ दिस इज फॉर 937 रुपीज, बट आई थिंक एवरी पेनी इज वर्थ इट. मैंने इसको अराउंड 900 की ये मुझे पड़ी होगी. आई एम लाइक नॉट श्योर क्योंकि कूपन्स वगैरह भी लगे थे, बट दिस इज सो 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 प्रिटी ड्रेस. आई मीन इफ वन ड्रेस आई हैव टू सजेस्ट यू फ्रॉम दिस हॉल, इट इज गोइंग टू बी दिस वन. यू आर गोइंग टू लव दिस. हालांकि आई नो समर्स थोड़े से जाने वाले हैं, बट ये ऐसी ड्रेस है आप इसको कभी भी पहन सकते हो. येलो इज सच अ फ्रेश एंड वाइब्रेंट कलर एंड या आई लव इट. मूविंग ऑन टू द लास्ट ड्रेस ऑफ दिस हॉल एंड बेस्ट वाली मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी. आई मीन ये सो दिस इज दिस ड्रेस विच इज इन अ वेरी प्रिटी सैल्मन पिंक कलर. दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड हेलो डिजाइन. इट्स देयर फ्लोरल प्रिंटेड स्लीवलेस क्रेप मैक्सी ड्रेस. दिस ड्रेस इज सो प्रिटी. आई मीन आपने अभी तक जितनी भी ड्रेसेस देखी उसमें कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं थी जो थोड़ी एथनिक प्रिंट वाली हो, बट दिस इज द वन. आई डोंट नो वट इज दिस कॉल्ड, बट ये जो भी है बहुत ज्यादा प्रिटी है. अब मैं आपको बताती हूँ इस ड्रेस की बेस्ट चीज क्या है. वो है इसकी स्लीव्स. सो ये एडजस्टेबल है. आई मीन यू कैन हैव अ लुक एंड आप इनको टाई कर सकते हो अपने अराउंड, तो ये हर किसी इंसान के लिए सूटेबल है ड्रेस. काफी ज्यादा फ्लोई है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. दिस इज वन ऑफ द यू नो मोस्ट कम्फर्टेबल ड्रेसेस फ्रॉम दिस हॉल. अगर आप लाइक कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर इट क्योंकि काफी ज्यादा कम्फर्टेबल थी. कुछ भी इसमें से लाइक शो नहीं हो रहा था और पहनने में काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे. आई मीन आई थॉट कि अगर मैं कोई भी जयपुर उदयपुर वाली ट्रिप पे जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगी. प्राइस बता देती हूँ मैं आपको इसका क्विकली. दिस इज फॉर 699 रुपीज एंड दिस इज वेरी प्रिटी ड्रेस. और या दिस वॉज द हॉल गाइज. अब आपने देख ली है सारी ड्रेसेस. मुझे कॉमेंट करके नीचे बताना कि आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी. लेट मी शो यू माई फेवरेट्स. वन ऑफ द फेवरेट्स इज गोइंग टू बी दिस वन. आई रियली रियली लाइक दिस वन. इसका कट, इसकी स्लीव्स, इसका फॉल, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था. इसका मटीरियल, एवरीथिंग वॉज सो गुड. नेक्स्ट अप वी हैव दिस वन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस. काफी ज्यादा एथनिक एंड प्रिटी एंड लाइक इट्स लाइक आपको ना इसको बहुत ज्यादा स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप में इतनी सिंपल और एलिगेंट ड्रेस है. इसके साथ में आप छोटे छोटे से इयरिंग्स पहनो, फ्लैट्स पहनो एंड एक क्यूट सा बैग कैरी कर लो, लाइक यू आर गुड टू गो. द थर्ड वन इज दिस ब्लैक वन क्योंकि काफी स्पोर्टी टाइप की ड्रेस है ये. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एंड द चीपेस्ट एज वेल. एंड दिस वॉज द हॉल गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू डू देन मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो. एंड वी आर गोइंग टू मीट सून इन अनदर वन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू डू इट. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाकी आप मुझे बताओ आपको और किस चीज के ऊपर वीडियोज देखनी है. यस, कॉमेंट डाउन बिलो. See you, bye. मैं कहने वाली थी see you tomorrow, but tomorrow I'm not posting for sure. So yeah, okay. Bye guys. Have a good day. Bye.